आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है स्टॉक पे, और स्टॉक का सेंटीमेंट और इन्वेस्टर का सेंटीमेंट क्या होता है वो स्टॉक को लेके। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूँ आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। अगर हम देखें कि प्रमोटर अगर खुद की कंपनी में अगर स्टेक बढ़ा रहा है तो ऐसा लगता है कि वो अपने बिजनेस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और अपने खुद का स्टेक बढ़ा रहे हैं तो मतलब वो अपने बिजनेस को बहुत प्रॉफिटेबल देखते हैं। अगर वो अपने स्टेक को कम कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो अपने बिजनेस पे कम कॉन्फिडेंट है और अपने स्टेक को इसलिए कम कर रहे हैं। ऐसे प्रॉपरली अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम सोचें तो ये दो सेंटिमेंट होते हैं। अगर कंप्लायंस की वजह से, जैसे कि अभी गाइडलाइन आई थी कि कोई भी प्रमोटर 65% से ज़्यादा अपने होल्डिंग नहीं रख सकता अपनी कंपनी में, अगर उस बेसिस पे अगर कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए बेचें तो वो एक सेंटिमेंट हम लोग देख सकते हैं कि वो कंप्लायंस के हिसाब से बेचा हुआ है। जैसे कि अभी महिंद्रा ग्रुप ने अपने कोटक महिंद्रा बैंक के स्टेक बेचे थे, उन्होंने फाइट भी की थी उसके लिए, मगर वो केस हार गए तो आनंद महिंद्रा जी को अपने स्टेक बेचने पड़े। तो इसमें वो सेंटिमेंट आप नहीं कर सकते कि प्रमोटर्स ने अगर अपने स्टेक बेचे तो हम लोग उसको नेगेटिव ले, अगर कंप्लायंस हिसाब से बेचा है। आज हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि लास्ट क्वार्टर में कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिसमें होल्डिंग कम हुई है प्रमोटर्स की, और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें होल्डिंग बढ़ी है, और ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं कि जिसमें प्लेज इन्वेस्टर प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक को प्लेज भी किया है। प्लेज भी एक अच्छा साइन नहीं माना जाता कि अगर प्रमोटर अपने शेयर्स को कहीं गिरवी रख के अगर पैसा उठाते हैं तो वो भी एक अच्छा साइन नहीं माना जाता। हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें लास्ट क्वार्टर में, जैसे कि अगर किसी भी प्रमोटर को अपने शेयर्स बेचने हैं तो सेबी की उनको अप्रूवल लेना होता है 3 महीने पहले कि वो क्यों बेच रहे हैं विथ रीज़न, और उनके अप्रूवल के बाद ही अपना स्टेक बेच सकते हैं। तो स्टेक बेचने के हर क्वार्टर में अपडेट होता है कि कौन कौन से प्रमोटर अपने होल्डिंग में इंक्रीज या डिक्रीज की है। आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से प्रमोटर्स ने, कौन कौन सी कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में अपने होल्डिंग्स में इंक्रीज या डिक्रीज की है। आइए देखते हैं। जहाँ से भी बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिले वहाँ से हमें कलेक्ट करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि लास्ट क्वार्टर में कौन कौन सी कंपनी ने अपने होल्डिंग्स में प्रमोटर्स ने अपनी कम की है। पहले हम लोग लार्ज कैप से देखेंगे, लार्ज कैप में कौन कौन से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है या बढ़ाई है। जैसे कि बंधन बैंक है, बंधन बैंक में प्रमोटर ने -21% अपना स्टेक कम किया है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक ने -2% किया है, अटल टेक्नोलॉजी ने 0.01% किया है, बजाज फाइनेंस ने 0.1% किया है, SBI कार्ड ने 0.1% किया है। ये प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो सेल आउट की है ये उसका रेशियो है, हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं यहाँ पे। आयशर मोटर, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने होल्डिंग कम की है, ये हम लोग देख रहे हैं जो लार्ज कैप स्टॉक है वो। यहाँ पे हम अगर सिलेक्ट करें तो हम लोग मिड कैप स्टॉक भी देख सकते हैं, कौन कौन से मिड कैप स्टॉक है जिसमें हिंदुस्तान एरोनेटिक 14.8% का कम किया हुआ है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग, फ्यूचर रिटेल -7% तक का होल्डिंग कम किया हुआ है, मैक्स फाइनेंस सर्विसेज, PI इंडस्ट्री -4.6% का। हम लोग अभी जिसने इसने इसमें कम किया हुआ स्टेक, हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि वो पूरे नेगेटिव है, हमको उनका कंप्लायंस भी देखना होगा कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर 65% के ऊपर है तो वो भी अगर धीरे धीरे अगर कंप्लायंस को फुलफिल करने के हिसाब से अगर अपने स्टेक को बेच रहे हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनी ने बेचा है, MRF है। अभी हम लोग यहाँ पे ये भी देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी कंपनी ने अपने स्टेक को प्लेज किया है प्रमोटर होल्डिंग में। हम लोग देख सकते हैं अगर लार्ज कैप अगर स्टॉक हम लोग देखें और यहाँ पे अगर प्रमोटर होल्डिंग अगर हम सिलेक्ट करें तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसने अपने स्टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 1.39% जो प्लेज है वो निकाला है, मतलब माइनस में है ये, हम देख सकते हैं यहाँ पे। और कौन कौन से स्टेक ज़्यादा अगर हम देखें तो हमको ये पिक्चर मिड कैप में ज़्यादा अच्छी तरह देखने को मिलेगी। क्या देख सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने पे फ्यूचर ग्रुप ने 69% अपना जो है वो होल्डिंग प्लेज किया है, -5.83%।
मैक्स फाइनेंस सर्विसेज 90% जो प्रमोटर होल्डिंग है, जितना प्रमोटर के पास शेयर्स पड़े हैं उसका 90% उसका है, 90% है, माइनस 1.2 प्रमोटर होल्डिंग में चेंज आया हुआ है। जी एंटरटेनमेंट 6.9%, बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से, उसमें जिंदा स्टील एंड पावर 50% माइनस 6.91% प्रमोटर होल्डिंग, आप अच्छी तरह देख सकते हैं। आप यहाँ के यहाँ पे डायरेक्टली भी साइट पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रमोटर ने अपने होल्डिंग्स में बदलाव किए हैं। अगर हम आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।